जयपुर में धर्म रक्षा न्यास संस्था की ओर से एक अनूठी पहल की गई है, जिसके तहत खंडित फोटो, तस्वीर और मूर्तियों के संग्रहण का कार्य ये संस्था करेगी। धर्म रक्षा न्यास के संस्थापक अभयजीत लदाना ने बताया कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना कर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें खाचरियावास ने इस अनूठी पहल की सराहना की और आयोजकों के हौसले अफजाई किए। आपको बता दें कि खंडित मूर्तियों को संग्रहित कर गलताजी में ले जाकर विधि विधान से भू विसर्जन करेंगे। अजीत लदाना जी ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि सनातन धर्म में जब मूर्ति और फोटो भगवान की खंडित हो जाती है तो वो उसको बड़ पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, उससे अव्यवस्था हो रही है सारी। कोई पांव रखता है, कोई क्या करता है, जानवर जाके बैठ जाते हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह वहाँ। तो ऐसे में हमारे धर्म का, भगवान का अपमान होता है, अजीब सा लगता है, मूर्ति टूटी हुई है पड़ी है। अब ये धर्म रक्षा न्यास विहान इन्होंने तैयार किया है तो मैं इनको बधाई दूंगा, ये सब जगह जाएगा, लोगों से अपील करूंगा, इसमें वो मूर्तियां जो खंडित होकर रखे उनको विधि विधान से उनका गलताजी में उनको बहा दिया जाएगा, गलताजी में, गंगा जी में। इसलिए हमारी परंपराएं हैं, इस तरह की मूर्तियां जो खंडित हो जाती हैं उनको गलताजी में बहाते हैं, तो वो काम पंडित अभिजीत लदाना जी करेंगे। मैं धर्म रक्षा न्यास के जरिए जो इन्होंने वाहन आज से शुरू किया है और प्रसिद्ध पेट्रोल पम्प बालाजी के यहाँ से शुरू किया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ओम धर्मो रक्षति रक्षित। आज प्रसिद्ध पेट्रोल पंप वाले हनुमान जी के सानिध्य में और आदरणीय दरबार मंत्री महोदय श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी द्वारा हमारे धर्म रक्षा न्यास के वाहन को हरी झंडी दिखाकर आज ये बहुत पुण्य का काम किया है, और मैं हम सब लोगों से जुड़ने के लिए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये नवरात्राओं से निकले हुए कलश और ये कुंडा है, तो इससे ही हम नेताजी के हाथ से ही इसका श्री गणेश करवाते हैं।